हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 फरवरी दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आपको बताऊंगा, आज भारत बंद है, जहां पिछले कुछ दिनों से देश के किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच आज भारत बंद का ऐलान भी किया है। और इसमें क्या क्या बंद रहेगा, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल कॉलेज वगैरह, ये बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे तो इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज पर बताई थी, आपको बताऊंगा। लेकिन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं भारत बंद की बड़ी बातें। आज 16 फरवरी को किसानों के साथ कुछ और अन्य ट्रेड संगठनों ने भी भारत बंद का ऐलान किया, तो घर से बाहर निकलने से पहले आप ये बातें जान लें। एक तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस भारत बंद के दौरान किसान भाई लोग गन्ने की छोल तोल बंद रखें, किसी को भी परेशान करने की हमारी मंशा नहीं है। तो फिर आखिर किसानों के इस भारत बंद में क्या क्या बंद रहेगा। किसान आंदोलन के बीच दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ये भारत बंद बुलाया गया है, ये ग्रामीण भारत बंद है, यानी शहरी इलाकों में इसमें कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं रहेगी, बल्कि गाँव में मनरेगा के काम नहीं होंगे, किसान खेतों में नहीं जाएंगे, जो ड्राइवर मजदूर किसान है वो काम पर न जाएं। ये कहना किसानों के नेता राकेश टिकैत ने पूरी रणनीति बताई। और क्योंकि गांवों में ज्यादातर भारत बंद का असर दिखेगा, और इसीलिए फल सब्जियां दूध की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हरियाणा में रोडवेज बसों का संचालन भी नहीं हो पाएगा, चक्का जाम करेंगे, ड्राइवर भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ सरकार का विरोध करेंगे इस ग्रामीण भारत बंद में। बिहार में भी कई जगहों पर आपको हिट एंड रन कानून के विरोध में आज चक्का जाम देखने को मिलेगा, ऑटो, ई रिक्शा, कैब, बस, ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। दिल्ली के व्यापारियों ने भी फैसला लिया, आज भारत बंद में शामिल होंगे, लेकिन बाजार औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे, क्योंकि व्यापारी संगठनों का कहना है कि न ही किसी ने बाजारों को बंद करने को लेकर समर्थन मांगा है और न ही भारत बंद का कोई औचित्य है। अच्छा, बैंक वगैरह भी आज सब खुले रहेंगे, सामान्य रूप से काम करेंगे। भारत बंद के दौरान बैंकों पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। पेट्रोल पंप पहले पंजाब में बंद रखने का फैसला किया था आंदोलनकारियों ने, किसानों से मांग की थी, लेकिन अब एसोसिएशन का कहना कि ये हमारा फैसला नहीं है, तो पेट्रोल पंप भी पूरे खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज ये कुछ भी बंद नहीं होंगे, मेडिकल दुकानें, इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस वगैरह सब चालू रहेगी। इसके अलावा हाईवेज को भी बंद नहीं किया जाएगा इस भारत बंद के दौरान, क्योंकि अभी स्टूडेंट के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए किसानों ने फैसला लिया है, ठीक है। वैसे किसान आंदोलन को लेकर भी आगे कुछ अपडेट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दुनिया के कई देशों में UPI लॉन्च होने के बाद अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी UPI लॉन्च होने जा रही है, क्योंकि UPI व NPI को लिंक किया जाएगा। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंक के बीच शर्तों पर सहमति बनी है। हाल ही में आपको बताऊंगा, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, UAE के बाद अब नेपाल में भी UPI लॉन्च हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE का दौरा करने के बाद कतर पहुंचे। PM मोदी ने कतर के अमीर थानी को शुक्रिया कहा, 8 भारतीयों की रिहाई के लिए धन्यवाद अदा किया। हालांकि अब PM मोदी कतर से भी वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कतर के दोहा में धन्यवाद अदा करने के बाद उन्होंने वहां के शासक को भारत आने का न्योता भी दिया। हालांकि UAE के ही तरह कतर में भी PM मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। सेरेमोनियल वेलकम हुआ PM मोदी का। फिर बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। कई अहम बातों पर चर्चा हुई। PM ने कहा कि भारत के साथ कतर के संबंध मजबूत हो रहे हैं। और UAE के अबू धाबी में भी आपको बताऊंगा, हिंदुओं का पहला मंदिर बन चुका है। दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और विवेक ओबेराय भी पहुंचे। PM मोदी ने अभी एक दिन पहले इसका उद्घाटन किया था। UAE में PM मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया में सरकारों पर भरोसा कम होता जा रहा है, लेकिन भारत में सरकारों पर भरोसा बढ़ा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भ्रष्टाचार पर भी PM मोदी जमकर बोले। और आज प्रधानमंत्री वापस भारत पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे, यहां एम्स वगैरह का उद्घाटन भी करेंगे। 14 विधानसभा से 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा भी हरियाणा में प्रधानमंत्री कई नई परियोजनाओं की सौगात देंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा जानकारी विस्तार से। और ना सिर्फ यहां पर एम्स बल्कि दोस्तों देश में जल्दी 7 एम्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। गंभीर रोगियों के इलाज की दिशा में केंद्र सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों के मुताबिक 25 फरवरी को राजकोट से 5 एम्स का लोकार्पण होगा। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने की स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और वहीं दुनिया की इकोनॉमी पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। देखिए आप, मंदी की चपेट में चल रहा अभी जापान, इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची। जर्मनी अब दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही इसके स्थान पर भी भारत का नंबर आ जाएगा। कमजोर करेंसी और घटती आबादी से जापान तो पिछड़ता जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेगा। अभी इंडिया 5वें नंबर पर है और तीसरे चौथे पर जर्मनी जापान खेल रहे हैं। हालांकि भारत के आंकड़े भी काफी नजदीक है, ये पॉइंट देखकर GDP के आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में जनवरी के व्यापार इकोनॉमिक ट्रेड पर भी एक बड़ी खबर देखिए आप। जनवरी 2024 में व्यापार घाटा कम हुआ और निर्यात में सालाना आधार पर 3% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। और आंकड़ों की बात करें तो जनवरी में एक्सपोर्ट में 3.12% की बढ़ोतरी होने के बाद रुपयों में देखिए 3.06 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किया भारत ने। इंपोर्ट 3% बढ़
बढ़कर 4.51 लाख करोड़ का हुआ। यानी लगभग भारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बराबर होने में, अगर इंडिया की जीडीपी को बूस्टअप करना है तो वाकई में हमें इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा, राइट। चलिए दोस्तों अगली बड़ी दुख भरी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई जिसमें 22 कारें 5 दुकानों को तो नुकसान हुआ, लेकिन हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जाने की भी खबर है। दमकल की 22 गाड़ियों ने मिलकर 4 घंटे में आग पर काबू पाया। ये एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसके केमिकल गोदाम में आग लगी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है आग के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए, लेकिन इसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल भेजे गए। 13 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे ये। चलिए दोस्तों किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई किसानों की फिर से, लेकिन बेनतीजा रही। अब रविवार को होगी फिर से वार्तालाप। ये तीसरे दौर की वार्तालाप हुई जो भी बेनतीजा रही, जरा सोचिए। किसान भाई लोग एमएसपी पर अड़ गए और सरकार के द्वारा बल प्रयोग पर भी आपत्ति जताई गई। लगातार 3-4 दिन हो गए किसान आंदोलन जारी है। पंजाब चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग हुई, कोई समझौता हो नहीं पाया। पंजाब में किसानों ने ट्रेनें भी रोकी। हरियाणा में आज टोल फ्री की चेतावनी दी है। पुलिस ने पत्थरबाजी के वीडियो भी जारी किए और कहा कि संभू बॉर्डर पर पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों की पहचान बताने वालों को इनाम मिलेगा। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों का संग्राम देखा गया। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे। किसानों ने पतंगबाजी कर उन्हें रोकने की कोशिश भी की। किसानों पर आंसू गैस के अटैक से अब कई संगठन भड़क गए। बीकेयू उग्रहा आज ट्रेनें रोकेंगे, एसकेएम टोल फ्री करेगा और चडूनी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। ये सभी किसानों के अलग अलग संगठन हैं, जैसे एसकेएम मतलब संयुक्त किसान मोर्चा वगैरह वगैरह ना। हरियाणा राज्य भर में आज टोल फ्री रखेंगे किसान भाई लोग। फतेहाबाद में किसान संगठनों की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इधर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन प्लान बना लिया। 30,000 आंसू गैस के और गोलों का ऑर्डर दिया गया जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लाए जा रहे हैं। पंजाब में भी किसानों ने 4 बजे रेलवे ट्रैक छोड़ा, बाकी दिन भर कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए जिसके चलते कई सारी ट्रेनें भी लेट हुई। इधर केंद्र सरकार ने हरियाणा के बाद अब पंजाब के भी 3 जिलों में इंटरनेट बंद करा दिया है, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भड़क गए क्योंकि हरियाणा के 7 जिलों में भी पहले से इंटरनेट पाबंदी है जिसको भी 17 फरवरी तक बढ़ा दिया। और क्योंकि दोस्तों इस किसान आंदोलन के चलते आपको पता होगा दिल्ली पंजाब हरियाणा वगैरह की कई सारी सड़कें हाईवेज बंद है, तो अब हवाई कंपनियां भी इस मौके का फायदा उठा रही है और कई सारी एयरलाइन कंपनियों ने दिल्ली से अमृतसर तक के हवाई सफर में 4 गुना तक किराए में बढ़ोतरी कर दी, महंगाई कर दी है मतलब। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। अब देखते हैं संडे को जो बैठक होगी उसमें क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा है। मोटो G04 स्मार्टफोन 7,000 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ। 5,000 एमएच बैटरी मिलेगी, 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिलेगा। और खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञान व्यापी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं के खिलाफ याचिका पर अब वाराणसी कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा को विशेष सौगात देंगे पीएम मोदी। मेट्रो, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी लगभग 9,750 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि देश के प्रधानमंत्री आज शुक्रवार को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं यूएई और कतर की यात्रा के बाद, राइट। तो देखिए इस दौरे के दौरान क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट होंगे। एक तो अब आप बस से आधे किराए में नई ट्रेन से पहुंच सकेंगे हरियाणा में हांसी से रोहतक तक। पीएम मोदी वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यहां भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 16 फरवरी को गुड़गांव ओल्ड मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी और रेवाड़ी को भी खास तोहफा देंगे। रेवाड़ी के भाल के माजरा में एक बड़ा एम्स हॉस्पिटल बनने जा रहा, उसकी आधारशिला भी रखेंगे। रेवाड़ी एम्स और गुरुग्राम मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, यानी अंग प्रत्यारोपण के मामले में दुनिया के कई देशों की तुलना में शीर्ष पर पहुंचा भारत। 2023 में पहली बार एक साल में 16,941 ट्रांसप्लांट किए सफलतापूर्वक भारत ने, और ये वाकई में भारत के मेडिकल इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को दर्शाते हैं आंकड़े। चलिए अगली खबर है 22 देशों के युवाओं को दक्ष बनाएगा भारत स्किल इंडिया प्रोग्राम में। अब देखिए दुनिया भर के किस तरह से दूसरे देशों को भी इसमें जोड़ने जा रहा भारत। कौशल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को जिम्मा मिला है इसका। अफ्रीका के 8 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल मुख्यालय का दौरा किया और इस दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने डिजिटल इंडिया के कामकाज को भी परखा। और अब इन 8 देशों के अलावा 20 अफ्रीकी और एशिया के 2 देश भी चाहते हैं कि उनके युवा को भी भारत डिजिटल स्किल और कई तरह की स्किल इंडिया मिशन प्रोग्राम के तहत सिखाई जाने वाली खास चीजें सिखाएं। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज दुनिया के कई देश हिंदुस्तान के डिजिटल प्रशिक्षण पर इतना भरोसा जता रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आने वाली बॉलीवुड की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए, इसके रिलीज पर पूरे देश में रोक लगाने का आदेश जारी किया है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ कोर्ट ने। और इस संबंध में अलीगढ़ की सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से अदालत लगाई गई जिसमें नोटिस जारी किया गया। वजह यह कि इसमें एक विज्ञापन फर्म के फिल्म प्रमोशन के हुए मामले के चलते ये फिल्म अटक गई है फिलहाल कोर्ट केस में। चलिए खबर है पेटीएम क्राइसिस को लेकर। देखिए रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो चुकी है, हालांकि कंपनी का कहना कि ये सही नहीं है। और वहीं देखिए दोस्तों राम मंदिर को लेकर सरकार ने चांदी का सिक्का भी जारी किया। 50 ग्राम का सिक्का अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप इंडिया गवर्नमेंट मिंट पोर्टल के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय का कहना कि ये ऑफिशियल पोर्टल है। ओके, और खबर देखिए निवेशकों के लिए अपडेट है। 21 फरवरी से खुलेगा
कंपनी का आईपीओ। कंपनी का नाम है जूनिपर होटल्स और हयात ब्रांड के तहत होटल श्रृंखला चलाने वाली ये कंपनी है, जिसका आईपीओ 1800 करोड़ का 21 फरवरी को ओपन होने जा रहा है। खबर है, सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल और ATF पर कस्टम ड्यूटी 0 बरकरार रहेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिर भी नहीं पड़ने वाला है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इसी महीने 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा, जिसमें आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्लान बनाया जाएगा। चुनाव से पहले राजस्थान वासियों के लाभार्थियों के साथ भी पीएम मोदी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, और इस दौरान राजस्थान की 200 विधानसभाओं से लाभार्थी जुड़ेंगे। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, मंत्री व विधायक भी इस संवाद में मौजूद रहेंगे। अब ये प्रोग्राम का आयोजन किस तारीख को होने जा रहा, तो बताया जा रहा है कि आज ही पीएम मोदी डिजिटली तरीके से राजस्थान के साथ ये बातचीत करेंगे, और इस दौरान राजस्थान में 300 मेगावाट की सौर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस योजना से 130,000 घरों को फायदा होगा और राजस्थान राज्य को आज 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन समर्पित करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की भी लगभग 5300 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिनका आज उद्घाटन किया जाएगा। और इन 17000 करोड़ की योजनाओं में कुछ रेल परियोजनाएं भी हैं, 2300 करोड़ रुपए के रेलवे के काम होंगे। ये सब आज शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के नियम के मुताबिक सूर्य नमस्कार किया गया कल पूरे राज्य में सभी स्कूलों में, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। 88,000 स्कूलों के लगभग 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स ने इस सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया, जिन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया। राजस्थान को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है कि स्टेट हाईवे रिपेयर किए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हो चुके हैं। प्रदेश में 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे ठीक होंगे, जिससे कि एक्सप्रेस वे से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। और वहीं देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव पर बड़ी खबर आ रही। चुनाव में जो धांधली हो रही है, इनके आरोपों के बीच अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अमेरिका से मदद मांगी और कहा कि वाशिंगटन को आवाज उठानी चाहिए पाकिस्तान के चुनाव की धांधली पर ऐसा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर है। देखिए, इजराइल हमास जंग पर इजराइल ने लेबनान में 2 हवाई हमले किए, जिसमें 10 नागरिकों समेत 3 हिजबुल्लाह के आतंकियों की भी मौत हो गई। बहरहाल खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही। अगले 36 घंटों के दौरान बदलेगा मौसम, बारिश, तूफान और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ देश के कई राज्यों में, जिसमें एक तो हिमाचल प्रदेश में 17 से 21 फरवरी तक 8 जिलों में भारी बारिश और हिमपात का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी 18 से 20 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते भारी बारिश बर्फबारी चालू रहेगी। उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ में सुबह सुबह घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी 20 मीटर चल रही। पिछले 24 घंटों में 18 शहरों में बारिश हुई और 3 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से बरसात होने की संभावना है। झारखंड में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पारा गिरा, फसलों को नुकसान हुआ। इधर देखिए आप, मांडर में ओले गिरे, रांची समेत कई इलाकों में बारिश देखी गई। आज भी आसार है बारिश के, येलो अलर्ट जारी हुआ झारखंड में। हिमाचल में तो हैवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। 18-20 तक बारिश बर्फबारी चालू रहेगी। और स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें, तो देखिए आप, सोने के भाव में 80 रुपए की गिरावट के बाद अभी 62,270 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है सोने का रेट दिल्ली सराफा बाजार में। और चांदी में 600 रुपए की तेजी आई, चांदी का भाव 74,600 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है कि पीएम मोदी आने वाली 23 तारीख को उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। 4 घंटों में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, 2 जनसभा करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे यहां काशी वाराणसी को। खबर है, उत्तराखंड में सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया कि हर शैक्षिक सत्र में अब 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आए छात्र, यानी लगभग एक महीने में एक दिन ऐसा रहेगा जब बच्चों को स्कूल बैग नहीं लाना पड़ेगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ये नई व्यवस्थाएं शुरू होने जा रही है। खबर है, हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर बनना अब आसान नहीं होगा। प्रवक्ता स्कूल न्यू भर्ती प्रमोशन के लिए अब TET पास होना जरूरी होगा। ये नया नियम लागू हो चुका है और एक ऐसा ही फैसला मैंने आपको हाल ही में बताया था, 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होगा। NCET की तरफ से फैसला लिया है, अगले शैक्षणिक सत्र से ही ये नया नियम लागू हो जाएगा। और खबर है, मध्य प्रदेश में मंडी व्यापारियों को अब 5 नहीं बल्कि 30 साल तक के लिए लाइसेंस मिलेगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। बिहार में नियोजित शिक्षकों को अब 5 बार देनी होगी सक्षमता परीक्षा, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन होगी परीक्षा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख, अब 25 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ और नए नियम आदेश भी जारी हुए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जानकारी। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालयों के छात्र अब गूगल पे और फोन पे से भी जमा कर सकेंगे अपनी फीस। 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट छात्र छात्राओं को ये बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार की तरफ से ये डिजिटल भुगतान को लेकर अच्छा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, 10,000 युवाओं को ठेकेदार बनाएगी सरकार। 25 लाख रुपए तक के सरकार के ठेके के काम ले सकेंगे ये, और पौधे की देखभाल पर अनुदान मिलेगा। CM मनोहर की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। और इस नई योजना के लिए 2 नए पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों,
लिए मानस टोल फ्री सेवा शुरू हो चुकी है। डिप्रेशन से लोगों को राहत मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ, 24 घंटे विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी। दरअसल सरकार ने मेंटल हेल्थ एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए टेली मानस के तौर पर 24 आवर्स निःशुल्क टोल फ्री नंबर की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अगर कुछ लोग तनाव में है, डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई टॉर्चर कर रहा, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। खास करके युवाओं में मेंटल डिप्रेशन को कम करने के लिए सरकार की अच्छी पहल है। हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं 14416 या एक और टोल फ्री नंबर है 1800-891-4416। ओके, इनमें से किसी भी तरह की परेशानी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, नौसेना को मिलेगी रिमोट कंट्रोल गन। रक्षा मंत्रालय ने 1752 करोड़ रुपए में AWEIL के साथ किया समझौता। खबर है दोस्तों, रूस जल्द बना लेगा खतरनाक कैंसर बीमारी के इलाज की वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। और वहीं एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड में सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, अस्पतालों में प्रसव के बाद 48 घंटे तक भर्ती रहने पर महिला को मिलेंगे 2000 रुपए। सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि प्रदेश सरकार मातृ शिशु के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसीलिए ये नई घोषणा की गई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया। और वहीं देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। अतिरिक्त अनाज का लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार की तैयारी है, गेहूं चावल के साथ मोटा अनाज भी दिया जाएगा। होली से पहले राशन कार्ड धारकों को यह बड़ा लाभ मिलेगा। गेहूं चावल और बाजरा, इनके साथ में ज्वार वगैरह भी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही श्री अन्न योजना को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 9 किलो गेहूं, 21 किलो चावल व 5 किलो बाजरा का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 0% पर भी मिलेगा नर्सिंग में दाखिला। BSc नर्सिंग की खाली 2939 सीटों को भरने के लिए शासन ने 0% से एडमिशन की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में ये नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की बात वाकई में। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से राज्यसभा के लिए बराला ने भरा नामांकन। बीजेपी नेता का निर्विरोध चुना जाना तय, 20 फरवरी को किया जाएगा ऐलान। वहीं देखिए, राजस्थान में बनकर तैयार हुआ दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। एक साथ होंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये तस्वीर देख सकते हैं आप मंदिर की, ओम के आकार में बनाया गया इतना विशाल और भव्य मंदिर। राजस्थान के पाली जिले में बना है ये मंदिर, शिव मंदिर है एक। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, असम सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ एक बड़ी साझेदारी की है। असम राज्य में 2500 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगाया जाएगा। और खबर है, कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ राज्य बंद रखने का भी ऐलान किया है। सभी शहर जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया, भारत बंद के साथ आज छत्तीसगढ़ बंद भी रहेगा। और छत्तीसगढ़ में रेलवे से भी अपडेट आ रहा, 14 ट्रेनें फिर से कैंसिल हुई। 24 फरवरी से 7 मार्च तक होगा तीसरी लाइन का काम, इसीलिए कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, आदिवासियों को मिलेगी फ्री बिजली। पुलिस कर्मियों का भत्ता बढ़ सकता है। विधानसभा में सरकार का ऐलान है, चीफ सेक्रेटरी करेंगे रीपा में गड़बड़ी की जांच। युवाओं के लिए भी नौकरियों को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 4200 से ज्यादा पद भरे जाएंगे और पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को भी हर महीने 25,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए ये कई बड़ी घोषणा की गई है। और साथ ही स्टूडेंट्स को मासिक यात्रा भत्ता भी मिलेगा। 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को DBT के जरिए यानी सीधे डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर के जरिए इस योजना का फायदा मिलेगा। पद्मश्री कलाकारों के लिए भी हर महीने 25,000 रुपए देने की घोषणा करने के लिए ये नई योजना शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में देखिए, व्यापम की नई वेबसाइट भी लॉन्च हुई। अब युवाओं को नई वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी, साइट क्रेश की प्रॉब्लम से राहत रहेगी। और राज्य में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख भी 25 फरवरी तक बढ़ चुकी है छत्तीसगढ़ में। मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अब तक 57,19,000 फॉर्म जमा हुए हैं, ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, इंसेफेलाइटिस नियंत्रण देश दुनिया का सफल मॉडल है। BRD में 60 करोड़ से प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया और सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण भी किया। खबर है, बिहार में तेजस्वी यादव 20 फरवरी से दौरा करेंगे, RJD की बैठक में ये फैसला हुआ। और वहीं देखिए आप, बिहार में 5 रेलवे और ब्रिज का PM मोदी शिलान्यास करेंगे। 338 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण होगा। सांसद बोले कि जाम की समस्या से निजात मिलेगा। आने वाली 26 तारीख को बिहार के दरभंगा शहर के 5 रेलवे और ब्रिज का वर्चुअल तरीके से PM मोदी उद्घाटन करेंगे। और खबर है दोस्तों, 28 फरवरी को दिल्ली में यंग इंडिया रैली का आयोजन होगा। 18-19 फरवरी को रोजगार के सवाल पर RYA करेगा यंग इंडिया जनमत संग्रह का आयोजन। वहीं देखिए, हरियाणा में वन मित्र योजना से मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले 60,000 युवा इस योजना से लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार युवाओं को वन मित्र योजना के जरिए भी रोजगार नौकरियां देने जा रही है, जिसमें पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। 30 रुपए पेड़ लगाने के लिए भी युवाओं को सरकार देगी, फिर हर महीना 10 रुपए और प्रति पेड़ सरकार की ओर से युवाओं को दिए जाएंगे ऐसा। और खबर है, PM मोदी ने हिमाचल के डिप्टी CM को पत्र लिखा। मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी के निधन पर शोक जताया और सोनिया ने संवेदनाएं भी व्यक्त की। वैसे हिमाचल में अब टूरिस्टों से ग्रीन फीस भी वसूली जाएगी, 10 करोड़ का टारगेट है। प्रति बोतल भी सेस लगाकर शराब की कीमतें बढ़ाई गई है हिमाचल प्रदेश में, और इससे हिमाचल प्रदेश में शराब वगैरह भी महंगी होगी। और शराब महंगी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी कल फैसला लिया था,
आपको बताया था, नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड में देखिए 25,000 कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन का भी ऐलान किया। प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं उप नल कर्मचारी। सरकारी विभागों में कामकाज भी ठप पड़ा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ तो मोदी सरकार राम राज्य की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में उप नल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन कर्मचारियों की कई मांगे हैं, इसलिए इन्होंने सरकार को धर्म परिवर्तन तक की चेतावनी दे डाली है। और एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। वहीं उत्तराखंड में सरकार स्वयं करेगी हवाई सेवाओं का संचालन, कैबिनेट योजना में इस प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी शानदार फैसला लिया था, खाली मैंने आपको बताया था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ चुकी है। 1 अप्रैल से ही 15,000 बढ़ाकर मिलेंगे। अब जो पहले 10,000 मिलते थे, अब लड़कियों को इस योजना में 25,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 6 अलग अलग श्रेणियों में धनराशि दी जाती है। लड़कियों को कब कब इस योजना में धनराशि का फायदा होता है और पहले कितनी थी और अब कितनी धनराशि मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है, नए सत्र से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। दरअसल स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम करने के लिए अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए सेशन में, मैंने आपको बताया ना, एक शैक्षणिक सत्र में लगभग 10 दिन ऐसे होंगे कि स्कूलों में बैग नहीं ले जाने पड़ेंगे। ये योजना देश भर में सरकार लागू करने का प्लान कर रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हरियाणा में ग्रुप सी और डी भर्ती में अंक नियम तय हुए हैं। परिवार के 2 मेंबर मेरिट में आए तो बड़े को ही मिलेगा 2.5 अंकों का लाभ। ये भी हरियाणा सरकार ने भर्ती में नया प्लान बनाया है। और खबर है, पंजाब में 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई। भारत बंद के चलते फैसला लिया गया, बोर्ड परीक्षा में 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में 4,197 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ। 12वीं पास के लिए भी मौका है, 20 फरवरी से इन पदों के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में चयनित पटवारियों को जल्द ही नियुक्ति देगी एमपी सरकार। भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिली, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट भी घोषित होंगे जल्द ही। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक में साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा वाला विधेयक पारित हुआ। राज्य के संस्कृति मंत्री का कहना कि अब राज्य के सभी दुकानों पर जो साइन बोर्ड होते हैं उनमें कन्नड़ भाषा में 60% चीजें लिखी होगी। ऐसा सरकार की तरफ से अपनी राज्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। और वहीं खबर देखिए आप, बॉलीवुड से अपडेट है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर योद्धा फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ। 19 फरवरी को रिलीज होगा इसका टीजर। 1 साल से ये फिल्म अटकी पड़ी है। दुबई में इसका प्रेजेंटेशन किया गया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। अच्छा, क्रिकेट जगत से बड़ी खबर देखिए आप। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। जडेजा टेस्ट में 3,000 रन और 250 प्लस विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। स्टोक्स के 100 टेस्ट रिकॉर्ड भी पूरे हो गए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मीन राशि वालों को नया इनकम सोर्स मिलेगा। और 16 फरवरी को मिथुन राशि के लोग निराशा से बचें। तुला राशि के लोगों को काम की गति तेज करनी होगी। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत में कौन से राज्य से कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।